हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आज मैं टूटे फोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो अच्छी आ रही है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं। तो यार अभी मैं रेडी हो गया हूँ, खाना वगैरह और भगवत गीता हो गई है, डन हो गया है। आज हम जा रहे हैं हाफ डेजर्ट हाफ रोड, जहाँ पे शूट्स भी आपने देखे होंगे होते हैं, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। बाकी की बातें वहीं पे जाके करते हैं, और आज कुछ शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको तगड़े तगड़े। तो चलो निकलते हैं। यहाँ पे चल रही है शूटिंग, ये सारा शूटिंग का माहौल रखा है, देखो पूरा वो हो रहा है शूट, मूवी का शूट ही चल रहा है कोई। तो भाई डेजर्ट में आ गए थे, बहुत ज़्यादा ही धूप है, यहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा, और यहाँ पे ड्रोन पीछे छोड़ दिया, इसको ले जाओ पीछे। ओ भाई ये ड्रोन पीछे चला रखा है, यहाँ पे शूट वगैरह करने आए थे अच्छा सा, लेकिन यार धूप बहुत है। और दूसरी बात है, हमारी जो गाड़ी है ना ये 4x4 नहीं है, तो हम बीच में लेके नहीं जा सकते, कुछ कुछ जगह थी हम लेके नहीं जा पाए। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से निकलते हैं, कुछ शॉट ले लेते हैं इसी से। आवाज़ ना आ रही हो बीच में, इसको ऊपर को ले जाओ। आवाज़ भाई। तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फिर कभी आएंगे जब 4x4 जब थोड़ा सा अपग्रेड करवा लिया ना मॉडल, क्योंकि ये अपने पास अभी एक दो दिन और है गाड़ी, तो जैसे ही अपग्रेड करवा लिया तो लेंगे, तब करके करेंगे ठीक है ना। यहाँ पे 4x4 लेके आएंगे। ओ आ गया नीचे, रेत में चला भी नहीं जा रहा यहाँ से, तो कैसा लग रहा है, चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी रेत में। ओह मैंने पीछे बोला, मैं ड्रोन मेरे पीछे ही रखना, और देखो ड्रोन पीछे ही है। बस यहाँ पे शॉर्ट सा कराएंगे थोड़ा सा शूट, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम, क्योंकि हम आएंगे 4x4 लेके, कोई फ़ायदा नहीं है अभी 2x का, ये इस गाड़ी को फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यार सच में गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही। और यहीं पे मिलते हैं ना रैटल स्नेक वगैरह, ऐसी ऐसी जगह पे दिख नहीं रहा, और आसपास भाई ना बंदा ना बंदे की जा, क्योंकि दोपहर के टाइम, वैसे शाम को आओगे ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे, गाड़ियाँ ऐसी ऐसी दिखेंगी ड्रिफ्टे मारते हुए, लोग इतने ज़बरदस्त होगा। अभी हम हाफ डेजर्ट हाफ रोड से निकल के आए हैं रिचार्ज करवाने के लिए। ये मॉल है कोई, पवेलियन इंटरनेशनल सिटी है, उसके पास हाफ डेजर्ट हाफ रोड के पास अभी आए हैं हम। रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो जाना आना मुश्किल है यार विदाउट रिचार्ज के, तो इसलिए हम पहले रिचार्ज करवाने के लिए आए। अभी यार रिचार्ज करवाते हैं, पहले ढूंढते हैं ऐसी सलाह है कहाँ पर, पहले यहीं पर दिखा रहा था वरना। वैसे एक चीज़ तो है यहाँ पर ना, प्रोटीन के रेट पता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखे होते हैं 329, जो यहाँ मर्जी से ले लो सेम रेट मिलेगा प्रोटीन का, अच्छे से अच्छा, माड़े से माड़ा, खैर माड़ा तो है ही नहीं, अच्छे से अच्छा। यहाँ से एक प्रोटीन बार लिया है, अगर भूख लग रही है तो भाई काम तो चल जाएगा। वैसे अभी तक थी, मैं खा रहा था, एक और बची है, लेकिन अभी लेके नहीं आए, तो इस शॉप से परचेज कर ली। बहुत टेस्टी होती है ये, बात वीगन है। अब हम इस मॉल से निकल रहे हैं, ये मॉल नहीं है मतलब एक छोटा सा मॉल ही बोल सकते हैं, छोटा सा मॉल है। यहाँ पे हमने 1.5 घंटा हो गया पार्किंग लगा रखी है, और हर जगह पे जैसे आपको पता है कि पार्किंग लगती है, लेकिन हमने यहाँ पे बीकानेर पे रुक के खाना खाया तो उन्होंने हमारी पार्किंग कर दी फ्री, क्योंकि हम मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, उन्होंने बोला जहाँ पे भी आप रुक के कहीं खाना खाते हो या बैठते हो तो वो आपकी ना पार्किंग फ्री कर देते हैं बिल्कुल 3 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे के लिए। तो चलो अब धूप भी चली गई है, अब ईज़िली मज़े करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं हम ग्लोबल विलेज, आज के दिन हम बहुत कुछ बहुत ज़्यादा जगह घूम लिए हैं, यहाँ पे भी आ गए हैं, चलो रिचार्ज करवाने आए थे, लेकिन खाना भी हो गया हमारा और पार्किंग भी फ्री हो गई है, जहाँ पे 10-20 दिरहम लगते हैं वो फ्री है,
और ऊपर से खुशी की बात यह सूरज भी नीचे हो गया, गर्मी भी नहीं लगेगी ज़्यादा। तो चलो अब चलते हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं ग्लोबल विलेज में। रास्ते में आपने देखा कितनी हरियाली थी यार, इतनी ग्रीनरी थी ना, लग ही नहीं रहा था दुबई है यार। दुबई दिन पर दिन इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है ना, बता नहीं सकते। तो अभी हम पहुंचे हैं ग्लोबल विलेज में, बहुत ही सुंदर है देखने के लिए नज़ारा। देखो सामने से कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। अभी अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है। मैंने भी बस ऑनलाइन ही देखा है, अभी सामने से अंदर जाके नहीं देखा। ये फ़ोन पे मेरा ग्रह चला हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मैं शर्ट उतारने के लिए आया था, मैंने कहा शर्ट उतार ही देता हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो चलो अब चलते हैं। ये फ़ोन भाई गिरेगा, कुछ ना कुछ होगा इसका, ग्रहण लग चुका है फ़ोन पे। जैसे ही पानी में गिरा चार्ज होना बंद हो गया। दूसरा फ़ोन गिरा, इसके दोनों जो ऊपर वाले लेंस हैं वो ख़राब हो गए, कैमरे दोनों के दोनों ख़राब हो गए। और अभी भी गिरते गिरते बचा है, शामत आ रखी है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ग्लोबल विलेज एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ी जगह है। और पार्किंग तो भाई इसकी मेरे को लग रहा है 1000-2000 गाड़ियों की पार्किंग है इसके बाद। अब देख रहे हो इसके ना कलर्स देखो कैसे चेंज हो रहे हैं। एंट्री हो रही है, अंदर जा रहे हैं, देखो क्या व्यू है यार, बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। एड्स वगैरह दे रखे हैं इन्होंने बाहर ही। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में दोबारा, कुछ सामान गाड़ी में रखाते हैं क्योंकि अगर घूमेंगे तो जेब में हर चीज़ सही नहीं है ना यार। गाड़ी में रखाते हैं आराम से, फिर इजीली घूमेंगे, लाइक पावर बैंक ऐसी चीज़ें साथ में लेके, ज़रूरी नहीं है घूमना। इसलिए वहाँ पे टिकट लेनी है, वो सारा कुछ चेकिंग वगैरह होगा। तो मैंने कहा पहले ही गाड़ी में रखाते हैं जो हमारे पास अपना पर्सनल सामान है, क्योंकि यार सेफ्टी तो बहुत है, गाड़ी में भी बहुत सेफ्टी है। तो भाई अभी मैं नया नया ही हूँ ब्लॉगिंग की दुनिया में, मुझे नहीं पता कि ब्लॉग ज़्यादा कैसे बनाते हैं, लेकिन जितना भी मुझे आता है मैं बनाता हूँ यार, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। तो प्लीज़ जितना हो सकता है सपोर्ट दिखाया करो, शेयर किया करो मेरे ब्लॉग्स, सब्सक्राइब किया करो, लगे हुए हैं बाकी हम भी। यहाँ से क्रॉस करना है, सभी को रोक दिया गया है अभी, पहले गाड़ियाँ निकलेंगी फिर उसके बाद हम निकलेंगे। अभी होता है जब ट्रैफिक नहीं होता ना तो सारी पब्लिक रोड क्रॉस करती है। देखो यार मैं ना ट्राई करता हूँ, मैं अपने तरीके से जितना दिखा सकता हूँ ना मैं दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ना मेरी लिपसिंग गलत हो जाती है, कुछ वर्ड्स गलत निकल जाते हैं जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यार अभी स्टार्टिंग है मेरी व्लॉगिंग की तो मुझे नहीं पता कैसे बोलना चाहिए। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, सीखते सीखते हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसी कुछ टिकट्स होती हैं, ये 25 दिरहम की एक टिकट। देखो अंदर ऐसा बना रखा है, ये US है और ये लंदन का बना रखा है ये, और ये है इधर, ये सारा चाइना, ये चाइना का है। बाकी धीरे धीरे आगे आगे जाऊंगा, देखता रहूँगा जैसे जो दिखता है। व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि मना है यहाँ पे व्लॉगिंग करना, वीडियो बना सकते हो खाली। ये टर्की बनाया हुआ है, पाकिस्तान, वो UAE, यहाँ का ये है ग्लोबल विलेज। भाई यहाँ पे मैं ऐसे व्लॉग नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं अब वहीं पे कैमरा करके दिखाऊंगा। वो कह रहे कि आपको परमिट लेना पड़ेगा व्लॉगिंग करने का प्रॉपर। ये थिएटर है, आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। यार यहाँ पे आके पता लग रहा है वो क्रैक का ना, यहाँ पे आके पता लग रहा है, देखो कितना गंदा व्यू आ रहा है। ओहो बुरा हाल हो गया। अब दूसरे फोन से बन रही है वीडियो। ओ वहाँ पे थिएटर चल रहा है और ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ओ भाई ये तो देखना बनता है भाई। इसकी टिकट यहाँ पे है, पता करने जा रहे हैं हम। टिकट ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 दिरहम की टिकट है, 20 दिरहम पर पर्सन। भाई वैसे 50 रुपये की भी टिकट थी, 50 दिरहम की और 20 दिरहम की। मैंने 20 वाली ली है, 50 की बाद में पता लगा 50 की भी थी। ये वही होगा, अपर स्टॉल होगी और बालकनी होगी, हमने 20 वाली ली है। तो चलो चलते हैं अभी वहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे ना व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, बट फिर मैं चुपके से एक दो शॉट ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं गायब हो गया। ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में आ गए। ये ऐसे है यहाँ पे,
यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं, शो देखते हैं सामने, ठीक है? चलो जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिल रहा है ना वहाँ पे ब्लॉगिंग कर ले रहा हूँ। बिलीव इट और नॉट, सही है भाई। ये देखो यहाँ पे भी टिकट है, यहाँ पे भी टिकट है, आगे भी टिकट है। ओ भाई एक तरफ को मेरे को एक बार तो लगा सुसू कर रहे। ये चाइना टाउन है, पूरी मार्केट है चाइना टाउन की। ये खड़े हैं चिंग फोंग चिंग हुई। यहाँ तो भाई आप बताओ कौन सी कंट्री में जाना है, वहीं चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जापान में जा रहा हूँ। जापान, अभी बताओ यार। स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे से ही पेंटिंग कर रहा है, सही है यार। बताओ कहाँ जाना है, ईरान जाना है, कतर जाना है या अफ्रीका जाना है? रशिया, यूरोप, ओमान। यहाँ पे ना सारे के सारे देश बना रखे हैं और ये जल्दी नहीं आप घूम सकते, एक दिन का काम नहीं घूमना। इसमें कम से कम हफ्ता तो चाहिए आपको घूमने के लिए। हर एक देश में, एक देश में जाने के लिए आपको कम से कम पूरा दिन लग जाएगा घूमने के लिए। और जहाँ की उस देश की स्पेशलिटी है, कोई चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, वो दिखा रखे हैं अंदर। मतलब जिसमें भी जाओगे, अभी मैं जैसे आपको दिखाया मैंने, जिस जिस देश की जो जो चीज़ें हैं वो दिखा रखी हैं वहाँ पे। हमारे सामने कोरिया है, थाईलैंड है, पीछे जापान है। तो हम भी ज़्यादा सारे में नहीं गए हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे हम गए हैं, जिस जिस एरिया में गए हैं। लेकिन अभी हमने स्टंट वाली साइड जाना है, क्योंकि वहाँ पे 7:30 बजे का टाइम है। 8 बजे 7:50 का शो है स्टार्ट होना है, 15 मिनट पहले हमें जाना है वहाँ पे। तो चलो अब हम वहाँ पे चलते हैं। यार इतना फ्रेश जूस निकाला है ना, मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त जूस है ये। इंडिया में ऐसा मिल जाए ना, मैं तो रोज़ के पता नहीं कितने पी जाए करूँ। इतना फ्रेश जूस, कुछ भी मिक्स नहीं है, देखा ही आपने। अभी हम जा रहे हैं स्टंट शो देखने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है पूरा 7:30। 7:50 का शो है, 15 मिनट पहले ही जाना था। ये देखो 6:10, 7:50, 9:15 पे शो होते हैं। फिर ये एंट्री है भाई, यहाँ स्टंट किए थे उसने।
doctor. I've got work to do. Ready? All a moment to say goodbye. Before I finish you all off for good! Chance, Dallas, once you're at the top of the tower, we will cover you as you climb down. Climb down? There won't be any time once I turn on the disruptor. दोबारा आ गया पीने के लिए, बढ़िया लग रहा है। आए अब बाहर आ गए हैं, पूरा का पूरा देख लिया, ये जबरदस्त अच्छा था। मतलब एक दिन में नहीं आप घूम सकते हो उसको। अंदर व्लॉगिंग अलाउड नहीं थी इसलिए बाहर आते स्टार्ट कर दिया। अंदर भी मैं कर ही रहा था थोड़ी थोड़ी, थोड़ा चुपके इधर उधर होके कर ही रहा था। चलो अब निकलते हैं, थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यहाँ पे। अब मैं सोचा कि थोड़ा सा बैठ जाऊँ, उसके बाद चलते हैं आगे, क्योंकि रास्ता घर तक का थोड़ा सा लंबा है। तो चलो बस थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। अब पता नहीं अंदर के शॉट कैसे आए होंगे, लेकिन आप देख लेना और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार मेरे चैनल। हम पहुँच गए हैं होटल की पार्किंग में। आज का दिन बढ़िया रहा, थके हुए हैं सच में, आज बहुत ज़्यादा घूमे यार। तो चलो चलते हैं रूम में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। और यार कुछ चीज़ें मेरे को नहीं भी पता लगती, तो वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा कर दिया करो, माफ़ कर देना।
धीरे धीरे ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ, आ जाएगी।